राजधानी दिल्ली में आए दिन ये देखने को मिल रहा है कि दिल्ली के पॉश इलाकों में हैरान कर देने वाली घटनाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के संसद भवन के पास स्थित नेशनल मीडिया सेंटर के बाहर ही एक संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आई। जानकारी के मुताबिक सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता वहाँ जाँच करने पहुँचा। टीम ने घटना स्थल पर घेरा बना जांच शुरू की। इस टीम में डॉग स्क्वाड भी मौजूद था। जांच के बाद दिल्ली पुलिस की टीम और CISF के अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे। बता दें कि इसकी कुछ ही दूरी पर राष्ट्रपति भवन भी मौजूद है। ऐसे में ये बात हैरान और परेशान करने वाली है। हालांकि CISF के अधिकारियों की मिली जानकारी के मुताबिक जांच में कुछ नहीं मिला है, लेकिन संदिग्ध वस्तु का मिलना, वो भी नेशनल मीडिया सेंटर के बाहर से, आश्चर्यजनक बात है। इसलिए कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा से जांच भी की जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ताज़ा तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ।